माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की जीवन लक्ष्य योजना, जो कि कन्यादान नाम से फेमस है, के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी और दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है और जीवन लक्ष्य LIC द्वारा बताया गया एक प्लान है। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट पहले 9.1% था, जो कि घटकर इस साल 7.6% हो गया है। और LIC में इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, बल्कि उसमें बोनस होता है, जो LIC साल के आखिरी में बताती है। सुकन्या योजना आप केवल बेटियों के लिए ही ले सकते हैं, बल्कि LIC का जीवन लक्ष्य आप अपना बेटी और बेटा दोनों के लिए ही ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 21 साल बाद ही पैसा मिलेगा, मतलब अगर आपकी बेटी ने अभी जन्म लिया है तो जब वो 21 साल की हो जाएगी तब उसे पैसा मिलेगा, और अगर आपकी बेटी 10 साल की है तो 10+21 यानी जब वो 31 साल की हो जाएगी तब उसे पैसा मिलेगा। मगर LIC में प्लान का समय 13 साल से 25 साल तक आप चुन सकते हैं। अगर आपकी बेटी या बेटे ने अभी जन्म लिया है तो आप 25 साल तक का टर्म ले सकते हैं, और अगर आपकी बेटी या बेटे 10 या 11 साल की उम्र के हैं तो आप 13, 15 से लेकर 20 तक अपना टर्म चुन सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीने 5000 रुपीज़ जमा करते हैं तो 21वें साल में आपको मिलेगा 25,46,000 रुपीज़, और यही पैसा यानी 5000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप LIC में डिपॉजिट करते हैं तो 21वें साल में आपको मिलता है 24 लाख रुपीज़। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो समृद्धि योजना में आपको सारी किस्तें जमा करने पर ही पैसा मिलता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और LIC में अगर पिता की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो तुरंत परिवार को 21,60,000 रुपीज़ मिलता है, और नॉर्मल डेथ पर 10,80,000 रुपीज़ मिलता है, और पूरे साल घर खर्च के लिए 1,08,000 रुपीज़ मिलते हैं 20 साल तक, और इसके अलावा 21वें साल में 24 लाख रुपीज़ भी मिलते हैं। सुकन्या योजना को आप केवल इंडिया में ले सकते हैं, बल्कि LIC के जीवन लक्ष्य को आप इंडिया के अलावा और भी कई देशों में ले सकते हैं जहां पे LIC के वर्किंग एरिया होते हों। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जो मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री नहीं होती, बल्कि LIC में जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों के बीच का अंतर बताया। अब ये आप ही डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। LIC में समृद्धि योजना के कंपैरिजन में रिटर्न बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन उसके फायदे कई होते हैं। जैसे कि कैजुअल्टी होने पर जीवन लक्ष्य एक तरह से बेटी या बेटे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ साथ उसकी शादी का भी पूरा खर्च उठाता है, बल्कि सुकन्या योजना में ऐसा नहीं होता है। और बल्कि आप देखा जाए तो इस सिचुएशन में ये सुकन्या योजना दुखी परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाता है, क्योंकि जो कमाने वाला है जब वो नहीं रहता तो आगे किस्तें आप कैसे जमा कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।